हाय एवरीवन, दिस इज अजय। एक्चुअली गाइस, हम यहाँ पे फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 10 idioms, जो लास्ट टाइम ने हमने जो सीरीज देखी थी तो उसमें जो हमने अलग अलग idioms लिए थे, तो अभी ये सीरीज में हम कुछ नए idioms लेंगे और सेंटेंस के साथ उसका मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो idiom है अपने पास, फर्स्ट वाला देख सकते हैं आप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। आप जो टी कप सोच रहे हैं ना, वो टी कप वाला नहीं, चाय पीने का। ठीक है, तो ये टी कप अलग है। सो यहाँ पे इसका मीनिंग सिंपली मैं बोलूँ तो, यू नो, बिग बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, राइट। मतलब हर कोई छोटी सी चीज़ को बड़ा करना है ना, थोड़े से स्मॉल इशू को बड़े बड़े करने में कुछ लोग होते हैं। ठीक है, देखा जाए तो हम इसको सेंटेंस में देख सकते हैं, आई फील, मैं यहाँ पे सेंटेंस देखिए कैसे बोल रहा हूँ, आई फील स्ट्रांगली दैट इट इज अ स्टॉर्म इन अ टीकप। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी मैटर है ना, या वो जो भी चीज है, वो खाली छोटी चीज को बड़ी की वाले, मतलब छोटे इशू को बड़ा दिखाया गया है। इस तरह का ये सेंटेंस बन सकता है। अगर आपको इसके बारे में और कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस हम देख सकते हैं, नेस्ट अपना idioms है यहाँ पे, मारेज नेस्ट। वो जो मारे गोल्ड वाला जो, या मारे गोल्ड समथिंग कुछ बिस्किट का टाइप है ना, तो उस टाइप का नहीं होता है। मतलब हम उसे ऐसे कह सकते कि वर्थलेस थिंग्स है ना, वर्थलेस थिंग्स मतलब कुछ काम की ऐसी चीज नहीं। ठीक है, सो वर्थलेस थिंग्स अगर इसका सेंटेंस में देखा जाए तो सेंटेंस में देख सकते हैं आप, वी जस्ट मूड इन, यहाँ पे कॉमा देना है, मूड इन एंड द प्लेस इज अ मारेज नेस्ट। तो गाइस, ये सेंटेंस ऐसा इस तरह का बन गया है, मारेज नेस्ट, वर्थलेस थिंग्स, स्टॉर्म इन अ टीकप, मतलब छोटी सी चीज को बढ़ावा करना। ठीक है, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, बड़ी चीज को मैनिपुलेट करके बड़ी सी बता देना। ठीक है, अगर आपको इसका भी अगर कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं तो कमेंट में मुझे लिख सकते हैं आप। तीसरा यहाँ पे idiom से गाइस, द, और इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, दी सीमी साइड। ठीक है, सीमी साइड मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं अनप्लेजेंट जो एस्पेक्ट है, कैसा, अनप्लेजेंट एस्पेक्ट मतलब किसी चीज को अपने को फ्यूचर में वो बुरी होने वाली है, ऐसा कुछ आपको अनप्लेजेंट एस्पेक्ट होना, आपका एस्टिमेट होना। ठीक है, अनप्लेजेंट एस्टिमेट भी बोल सकते हैं, एंटिसिपेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेट अगर सेंटेंस देखा जाए तो यहाँ पे हम ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे गाइस, हाउ टू सॉल्व साइकोलॉजिकल, एक्चुअली मैं इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग लिख रहा था, साइकोलॉजिकल दी सीमी साइड है ना। उनको ऐसा पता चला कि भाई ये जो आने वाले जो अनप्लेजेंट सिचुएशन है उसको कैसा हल किया जाए, है ना, कैसे सॉल्यूशन उसको निकाला जाए, तो इसको एक क्वेश्चन में अपन ने बनाया,
मुझे ऐसा लगता है गाइज आपने भी इसका ट्राई करना चाहिए और अलग अलग सेंटेंस बनाने के लिए। मैं और एक सेंटेंस यहाँ पे बोल सकता हूँ, द सीमी साइड ऑफ लैंड सीमी साइड ऑफ सॉरी सीमी साइड ऑफ लाइफ इंक्लूड्स क्राइम एंड अदर्स एविल इज राइट। तो आई होप ये आपको पता चला होगा इस सेंटेंस का मतलब। अगर आपको पता नहीं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल लेट यू नो इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो गाइज फोर्थ वाला जो इडियम से अपना यहाँ पे जेंटल जेंटलमैन एट लार्ज। हाँ भाई ये जेंटलमैन बहुत लार्ज हो रहे हैं आजकल, ठीक है, और बहुत ही ये डिफिकल्ट सिचुएशन है हम यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो गाइज ऐसा बोल सकते हैं, द पर्सन हु इज जॉबलेस राइट। कोरोना की सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोग जो है जॉबलेस हो चुके हैं। इफ यू सी इन दिस सेंटेंस, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी कैन मेक हियर लाइक दिस, यू कैन हैव जस्ट फेथ वाइल मेकिंग इन सेंटेंस। आई कैन से हियर, इसलिए मैं एक सेंटेंस ढूंढ रहा था, ठीक है। फिर भी एक सेंटेंस बहुत अच्छा सा है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं हैविंग सोल्ड हिज हम बोल सकते हैं बाइक, है ना, बाइक हैविंग सोल्ड हिज बाइक ही इज नाउ सॉरी जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है। भाई आप बोलेंगे ये कैसा सेंटेंस सर जी, तो क्या था एक सिचुएशन ऐसी थी कि उसके पास जब बाइक थी, तो बाइक पे कुछ वो ऐसा काम करता था जो बाइक का यूज़ करके वो जॉब को जाता था, बट उसने क्या कर दिया, अभी उसकी बाइक सोल्ड आउट कर दी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो भी वो जहाँ पे जॉब करने के लिए जाता था सर्विस करता था, वहाँ पे जाने के लिए वो अनेबल हो गया। तो हैविंग सोल्ड हिज बाइक ही इज नाउ जेंटलमैन एट लार्ज, मतलब अभी वो बेरोजगार हो गया। तो गाइज मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता है, हैविंग COVID-19 सिचुएशन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज, ये भी प्रॉपर सेंटेंस यहाँ पे हम बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट इडियम्स गाइज, लूज फेस राइट। लूज फेस मतलब फेस को ढीला करना, नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ उसका मीनिंग नहीं है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एम्बेरेंस सिचुएशन, है ना, एम्बेरसमेंट जो सिचुएशन होता है ना, एम्बेरसमेंट राइट, किसी को एकदम शर्मिंदा हो जाना या किसी के ना कटना, ठीक है। तो सेंटेंस में हम देखा जाए इसको, यू विल लूज फेस इफ यू डोंट कीप योर प्रॉमिस, है ना गाइस। हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं अपने दोस्त को, अगर भाई तूने मेरा प्रॉमिस अगर तोड़ दिया तो तेरी नाक कट जाएगी, ठीक है, तूने मेरा प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, ऐसे बोल के। सो नेक्स्ट वन इज यर, हम बोल सकते हैं टर्न टर्टल। आप बोलेंगे क्या होता है टर्न टर्टल, टर्न टर्टल मीन्स सिचुएशन को क्या कर देना, सिचुएशन चेंज कर देना, है ना, मतलब सडनली चेंज आ जाना कोई चीज को, सिचुएशन चेंज राइट। या हम बोल सकते हैं स्थिति को उलट जाना, है ना, स्थिति मतलब अचानक सा कुछ अलग हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं विराट कोहली मतलब अच्छा सा खेल रहा था और सडनली एक बैड न्यूज ऐसी आ गई कि अचानक से विराट कोहली जी आउट हो गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, एकदम वहाँ पे टर्न टर्न मतलब अचानक से सिचुएशन बदल गई। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस ले सकते हैं गाइस, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। सेंटेंस देख सकते हैं आप, इन माई ओपिनियन, मैंने मैक्सिमम जो सेंटेंस बनाने की कोशिश की वो रियल लाइफ में यूज हो सकती है ऐसी सेंटेंस बाय गाइस, ठीक है। इन माई ओपिनियन मुझे लग रहा है, ठीक है, इंडिया माइट टर्न
टर्टल है ना, बाय एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब ये साल खत्म होने तक हम चाहते हैं कि ये कोविड चला जाएगा, मतलब इंडिया क्या कर सकता है, ये सिचुएशन पलट सकता है, अगर हम सब ने रूल्स फॉलो किए तो डेफिनेटली वी कैन चेंज दिस सिचुएशन, राइट गाइज। नेक्स्ट वन इज योर फॉल बैक है ना, फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन मीन्स किसी के ऊपर यू नो किसी का सहारा लेना, ठीक है। सो हम ये आप सोच सकते अगर सिचुएशन में देखा जाए तो टेक अ सपोर्ट है ना, टेक अ सपोर्ट समवन, राइट। सो सेंटेंस में हम देख सकते हैं गाइस, सेंटेंस देखिए, बहुत बढ़िया सा सेंटेंस मैंने बनाने की कोशिश की है। यू कैन, मतलब हम बोल सकते हैं अपने कोई फ्रेंड्स को, यू कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन हिम व्हेन यू आर इन डिफिकल्टीज है ना, मतलब जब भी आप डिफिकल्टीज में होंगे या तो आप क्या कर सकते हैं, इनका सहारा ले सकते हैं, किसका, हिम का, मतलब कोई उसका फ्रेंड है या कोई उसका दोस्त है और दूसरा क्लोज फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, तो उस बड्डी का वो सहारा ले सकता है। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी कैन मेक हियर, तो यहाँ पे कौन सा है अपना, फॉलो बैक ऑन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट मतलब किसी सिचुएशन को क्या करना है, अपने को सफर करना है ना, सफर, सफर फेस और ऑकर भी बोल सकते हैं ना, किसी सिचुएशन को फेस करना या बैड कंडीशन या अच्छी कंडीशन जो भी है, ठीक है। तो सिचुएशन को क्या करना है, हमें फेस करना है गाइज, आगे का दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा मूव कर देता हूँ मेरा, ठीक है, या आई होप अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो इसका सेंटेंस अगर देखा जाए हम तो बोल सकते हैं भाई, इवेंचुअली है ना, इवेंचुअली मतलब आखिरकार है ना, इवेंचुअली स्मॉल स्मॉल इवेंचुअली स्मॉल बिजनेसेस, इवेंचुअली स्मॉल बिजनेसेस बीटन है ना, बीटन द डस्ट दिस ईयर है ना, आपको समझ रहा है ना मैं सेंटेंस क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेसेस है क्या हो गया कोविड की वजह से, क्या हो गया, बाइट द डस्ट, उसने उनको क्या करना पड़ा, बहुत सारी यू नो सफर फेस करने पड़े इकोनॉमिकली है ना, तो उस टाइप ऑफ ये हो गए, बीटन द डस्ट, मतलब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दिया, जो फर्स्ट वन, फर्स्ट फॉर्म जो होता है V1 V2 एंड V3, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इडियम्स इज हियर, गो टू रैक एंड रुइन, गो टू रैक मतलब रैक की तरफ जाना है का नहीं, ठीक है, एंड रुइन मतलब रैक की तरफ जाओ और क्या करो, खत्म कर दो, रुइन, गो टू रैक एंड रुइन, गेट इनटू बैड कंडीशन, मतलब किसी बैड सिचुएशन में अटक जाना, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रबल है ना, ट्रबल, या तो हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को क्या करना, डैमेज कर देना, बर्बाद कर देना, डैमेज, फिर से हम बोल सकते हैं स्पॉइल, तो उस तरह का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेंटेंस देख सकते हैं आप, ठीक है, द हाउस हैड, द हाउस हैड क्या होगा भाई, हाउस को, हाउस हैड बीन लेफ्ट टू गो रैक एंड रुइन, रैक एंड रुइन मतलब उसने क्या कर दिया, घर को ऐसे ही वो डैमेज कर दिया या स्पॉइल कर दिया, ठीक है। एंड गाइस नेक्स्ट वन इज योर, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है, देखो
सॉरी मेनी पीपल, या तो हम बोल सकते हैं नहीं ये नहीं लेंगे हम, दूसरा ले सकते हैं, या टू मेनी शेप, आप शेप को जानते हैं ना, शेप कौन सा शेप, बड़ी शॉप नहीं, शेप जो कुक कुकिंग का काम करते हैं, ठीक है, कुक को बोलते हैं हम शेप, टू मेनी शेप एंड नॉट एनफ, क्या हो गया, नॉट एनफ इंडियन। भाई आप बोलेंगे सर जी ये क्या बोल रहे हैं आप, है ना, टू मेनी इंडियंस, नॉट एनफ इंडियंस, इसका मतलब ऐसा हो सकता है गाइस कि हर कोई क्या करना चाहता है, वांट टू बिकम अ लीडर, लीडर बनना चाहता है, बट क्या करना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी अ लीडर बट डोंट वॉन्ट टू लिसन, राइट। तो यहाँ पे मुझे अभी लिखने के लिए जगह नहीं गाइस, तो फिर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, आप समझ लीजिएगा, आप नोट डाउन कर दीजिए, देख यहाँ पे देख सकते हैं, टू मेनी पीपल वॉन्ट टू बी, क्या करना है, वॉन्ट टू बी लीडर एंड नॉट एनफ, नॉट एनफ इंडियन, राइट। तो इस तरह का ये कुछ अलग अलग हमने idioms लिए है, टेंस, लास्ट वाला idiom जो है गाइज मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको इसको कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, यहाँ पे है थ्रो इन अ टॉवेल, यहाँ पे कोई टॉयल में कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे इसका आपको क्या बनाना है, इसका सेंटेंस बनाना है, कमेंट में मुझे लिखना है। सो आई होप आपको ये 10 idioms के मीनिंग्स और उनके सेंटेंस पता चल गए होंगे, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं एक बार उसको जूम कर देता हूँ आपको, ताकि ये आपको समझ जाए, ठीक है, तो मैं आपको इसको जूम करके आपको आप देख सकते हैं, ठीक है, या नाउ ओके, सो यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट।